शाहपुर थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुके शातिर अपराधी परवेज अंसारी और उसके चार साथियों को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में परवेज अंसारी पुत्र अलाउद्दीन अंसारी निवासी छोटी मस्जिद थाना शाहपुर के अलावा विक्की सोनकर पुत्र अशोक सोनकर, सुल्तान उर्फ राजू पुत्र शबीर, सिराज पुत्र असमत अली और जस्सू जायसवाल पुत्र राजेश कुमार जायसवाल शामिल है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर द्वारा मिली सूचना पर जब पुलिस ने इन बदमाशों की गिरफ्तारी की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिससे बचते हुए पुलिस ने परवेज और उसके गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक साथी छोटू अंसारी उर्फ जावेद पुत्र मंजूर अंसारी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त परवेज अंसारी 25,000 का इनामी बदमाश है तथा इसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 32 बोर का एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस व 1 खोखा, 12 बोर का 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर का 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व बिना नंबर प्लेट की 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने बताया। ये परवेज गैंग के लोग, सब पहचान हो जाएगा। इनका गैंग लीडर ये परवेज अंसारी है, दूसरा एक गैंग और है उसको मान के चले, जो गैंग अभी ठीक नया बना था कुछ दिन से, लेकिन अब एकदम इनएक्टिव हो गया है। ये अब तो 32 का एक पिस्टल है जो फायरशुदा एक कारतूस है उसमें, उसके अलावा अब जिंदा कारतूस है 12 बोर और 15 बोर के तमंचे। ये शाहपुर थाना क्षेत्र का कुख्यात अपराधी परवेज अंसारी, जो थाने का हिस्ट्री सीटर भी है और जिसकी मनसा फायरिंग करके और आपराधिक कृत्य करके शाहपुर थाने में और गोरखपुर के शहर में एक दहशत फैलाने की हमेशा से रहती थी, 2 वर्षों से शाहपुर से और इस शहर से ठीक फरार चल रहा था, बीच बीच में आता था। फरवरी महीने में इसने फायरिंग किया था एक शादी के समारोह में, इसके कुछ और भी साथी थे जो यहाँ पर एक्टिव थे। इसके ऊपर उसी घटना में 25,000 रुपये का इनाम भी था। मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई, इंस्पेक्टर शाहपुर अपने टीम के साथ और एसओजी टीम इस पूरे कार्य में लग गई और चार फाटक के पास, ये चौकी ये कौवाबाग के पास जो अरे सूचना मिली, उसी ठीक सूचना के अंतर्गत जब घेराबंदी की गई तो इन लोगों ने फायरिंग किया पुलिस के ऊपर, और फायरिंग करने के दौरान धरपकड़ के बाद इसके ठीक 5 साथी पकड़े गए जिनका ठीक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। दो मोटरसाइकिल मिली है जिसके बारे में जानकारी अभी तक ली जा रही है क्योंकि वो इन लोगों के पास कहां से आया। एक 32 की पिस्टल, 12 बोर का एक तमंचा और 15 बोर का एक तमंचा मिला है, साथ में 4 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। ये पुलिस मुजम्मत हुआ था, उसमें भी मुकदमा लिखा हुआ है और उसमें भी ये सब वांटेड थे। उसमें एक विक्की सोनकर और परवेज़, ये 2 लोग उस घटना में पकड़े गए हैं। परवेज तो पहले से वांछित चला रहा था फायरिंग की घटना में, और इसके अलावा जो कल मतलब मुठभेड़ की घटना हुई है उसमें भी मुकदमा लिख के इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। कम से कम ये मान के चले थे 12-13 मुकदमे परवेज अंसारी पर। अभी हम लोग अपने अब तो DCRB के माध्यम से अन्य जिलों के मुकदमे को भी और गहनता से देख रहे हैं। अभी जो सूचना उपलब्ध हो पाई है उसके मैंने अंदाज से 12-13 मुकदमे, हत्या से लेके लूट से लेके बलवा आर्म्स एक्ट, हर प्रकार के मुकदमे जो आपराधिक कृत्य है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए ही इतना सारा असलहा और एक साथ ही संगठित होके शहर में घूम रहे थे। पूरे गिरोह लोगों का के लोग, अभी कुछ और भी लोग हैं बाकी, मौके का फायदा उठा के एक अपराधी है जो अरे परवेज अंसारी का छोटा भाई है छोटू अंसारी, वो मतलब मौके से फरार हो गया है, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और इन लोगों का यहाँ पे अब तो नेटवर्क में अन्य कौन कौन लोग हैं उनको भी खंगाला जा रहा है।